है एवरीवन दिस इज़ एडवोकेट फरहीन अंसारी एंड वेलकम बैक टू द कंटिन्यूइंग पार्ट ऑफ लॉ ऑफ गारंटी अंडर इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट आज के इस वीडियो लेक्चर में वी शाल अंडरस्टैंड द राइट्स एंड लायबिलिटीज ऑफ अ श्योरिटी अंडर कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी अब बच्चों इसके पहले के वीडियो लेक्चर में हमने देखा कि श्योरिटी वो पर्सन है जो गारंटी प्रोवाइड करता है क्रेडिटर को प्रिंसिपल डेटर के लिए हुए लोन के अगेंस्ट में अब यहाँ गारंटी ओरली भी दी जा सकती है या राइटिंग में भी अब मान लो अगर प्रिंसिपल डेटर अपना लोन क्रेडिटर को डिस्चार्ज नहीं कर पाया जिस वजह से श्योरिटी को पेमेंट ऑब्लिगेशन पूरा करना पड़ा तो इस केस में द श्योरिटी वुड इंजॉय सर्टन राइट्स ओवर द प्रिंसिपल डेटर वो क्या राइट्स हैं लेट्स अंडरस्टैंड पॉइंट बाई पॉइंट सो द फर्स्ट राइट इज राइट ऑफ सेब्रोगेशन बच्चों द टर्म सेब्रोगेशन मीन्स सब्सटीट्यूट ऐसे तो प्रिंसिपल डेटर वॉज लाइबल टूवर्ड्स द क्रेडिटर बट क्योंकि प्रिंसिपल डेटर ने अपना पेमेंट ऑब्लिकेशन पूरा नहीं किया तो अब यहाँ श्योरिटी ने प्रिंसिपल डेटर के बिहाफ पे क्रेडिटर को पेमेंट किया अब क्रेडिटर को तो उसका पैसा मिल गया वो पिक्चर से हो गया आउट और उसकी जगह पे आ खड़ा हुआ श्योरिटी जैसे पहले क्रेडिटर प्रिंसिपल डेटर से पेमेंट मांग रहा था अब वही पोजिशन पर श्योरिटी प्रिंसिपल डेटर से पैसे मांगेगा दिस इज कॉल्ड राइट ऑफ सब्रोगेशन देन राइट नंबर टू इज़ राइट टू बेनिफिट ऑफ क्रेडिटर्स सिक्योरिटीज अब बच्चों इसको एग्जाम्पल से समझते हैं मान लो प्रिंसिपल डीटर ने क्रेडिटर को लोन के अगेंस्ट में सिक्योरिटी के तौर पर श्योरिटी की गारंटी तो दिया ही और साथ साथ अडिशनल सिक्योरिटी के लिए एक ज्वेलरी बॉक्स भी उसके पास रखा अब पेमेंट के ड्यू डेट पर इफ़ द प्रिंसिपल डीटर हैज़ नॉट फुलफिल्ड हिज ऑब्लीगेशन मतलब अगर प्रिंसिपल डीटर ने उसको उसका पेमेंट नहीं दिया तो यहाँ क्रेडिटर के पास दो ऑप्शन है या तो श्योरिटी से पैसे मांगे या फिर जो ज्वेलरी सिक्योरिटी के तौर पे रखा है वो बेच के अपना पैसा कवर कर लें अब मान लो यहाँ क्रेडिटर ने श्योरिटी से पेमेंट लिया तो श्योरिटी का ये राइट होगा टू तो रिसीव दैट ज्वेलरी विच इज इन द कस्टडी ऑफ क्रेडिटर इन हिज ओन कस्टडी दिस इज कॉल्ड राइट टू बेनिफिट ऑफ क्रेडिटर्स सिक्योरिटीज राइट नंबर थ्री इज राइट टू इंडेमनिटी अब जाहिर सी बात है श्योरिटी प्रिंसिपल डेटर के बिहाफ पे प्रिंसिपल डेटर का लोन अमाउंट क्रेडिटर को सेटल कर रहा है विच इज़ अ काइंड ऑफ अ लॉस टू द श्योरिटी यहाँ श्योरिटी का राइट है टू बी इंडेम्निफाइड फ्रॉम द प्रिंसिपल डेटर देन राइट नंबर फोर इज राइट ऑफ को श्योरिटीज विच मीन्स इफ अगर दो या दो से ज़्यादा लोग कोश्योरिटीज का के तौर पे ज्वाइंट हुए हैं एक ही लोन अमाउंट में एंड हर श्योरिटी में गारंटी इक्वल अमाउंट की डिस्ट्रीब्यूट हुई है देन एवरी श्योरिटी इज लाइबल फॉर देयर रिस्पेक्टिव अमाउंट ऑफ गारंटी एंड नॉट द होल लोन अमाउंट अब ये तो हो गए राइट्स ऑफ श्योरिटी टॉकिंग अबाउट द लाइबिलिटी ऑफ श्योरिटी यहाँ बच्चों सिर्फ इतना समझना है कि जब तक प्रिंसिपल डेटर इज लाइबल तब तक श्योरिटी इज लाइबल विच मीन्स अगर क्रेडिटर ने किसी भी रीज़न से प्रिंसिपल डेटर के लोन को माफ कर दिया या प्रिंसिपल डेटर को रिलीज कर दिया उसके लोन अमाउंट से तो उस केस में श्योरिटी की लाइबिलिटी हो जाएगी ख़त्म तो दिस इज़ द एंटायर कॉन्सेप्ट ऑफ राइट्स एंड लाइबिलिटीज ऑफ श्योरिटी होप यू अंडरस्टुड द सेम इफेक्टिवली द नोट्स ऑन दिस टॉपिक इज प्रोवाइडेड ऑन दट टेलीग्राम ग्रुप अंटिल वी मीट नेक्स्ट टाइम थैंक यू एवरी वन बाबाई